हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने भी केकेसी के लिए एडमिशन फॉर्म को भरा है, अप्लाई किया है। तो उन सबके मन में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर की जाएगी। तो ये तो आप लोगों को पता है कि इस बार हर बार मतलब कि केकेसी में मेरिट बेस्ड जो होता है वो आपका जो मेरिट क्लास 12 के ऊपर आपके मेरिट बनती है और उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है, आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से। लेकिन आखिर इतने सारे बच्चों में कब लिस्ट, कैसी लिस्ट आती है, जनरल की अलग होती है, ईडब्ल्यूएस की अलग होती है, इन सब पे बात करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो होता ये है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बीए का। तो दोस्तों बीए में ये समझ लीजिए कि मेरिट लिस्ट निकलेगी तो हर एक रिजर्वेशन की अलग एक मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर एससी कोटा जिन्हें लिया है उनकी मेरिट लिस्ट अलग निकलेगी, एसटी की अलग निकलेगी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, इन सबकी दोस्तों बीए कोर्स के लिए अलग अलग लिस्ट निकलती हैं। और दोस्तों जो आपकी रैंक आती है वो आपके क्लास 12 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगी और उस हिसाब से आपको जो रैंक है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एक ही बार मेरिट लिस्ट निकलती है, आपको दोस्तों 3 या 4 या 5 या 6 तक मेरिट लिस्ट कभी कभी निकल जाती है। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, जैसे पता चला कि मेरिट लिस्ट निकली, फिर उसके बाद उसी में दोस्तों आप एक इम्पोर्टेंट नोटिस साथ में केकेसी वाले देते हैं कि आपको जिनके भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको दोस्तों काउंसलिंग के लिए इस डेट पे आना है। लेकिन पता चला दोस्तों कि उस डेट पे बच्चे नहीं आते हैं, 1 या 2 दिन दिए जाते हैं, उन दिनों पे नहीं आए तो दोस्तों जो सीट बच जाती है उनको फिर सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में कंसिक्वेंट मेरिट लिस्ट में ऐड करते रहते हैं। जो भी बच्चे मतलब कि रह गए, जैसे पता चला कि 60% तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आए, तो अगर 10 से 12 बच्चे मतलब कि काउंसलिंग डेट पे नहीं पहुंच पाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले, तो समझ लीजिए दोस्तों कि 56 या 57% तक जिनके मीन्स रह गए बच्चे, जो इनके 57% तक मार्क्स आए, तो वो 10 से 11 बच्चे अगली मेरिट लिस्ट में निकल दिए जाएंगे। और अगर उसमें भी नहीं आते हैं फिर थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, ऐसे करके दोस्तों आपकी मेरिट लिस्ट आएंगी। और जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आएंगी उसके साथ ही एक नोटिस भी आएगी कि इस दिन आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना है। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के लिए ले जाने पड़ते हैं। और एक चीज यहाँ पे दोस्तों मैं और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी 2 बच्चों के या 3 बच्चों के मार्क्स दोस्तों पता चलता है कि इक्वल है, पता चला कि आपके भी 90% है और दूसरे के भी 90% है और तीसरे के भी 90% है, तो ऐसे में दोस्तों आपके क्लास 10th के मार्क्स देखे जाएंगे और उस हिसाब से दोस्तों आपको रैंक प्रोवाइड की जाएगी। जिससे क्लास 10th में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको अच्छी रैंक दी जाएगी, फिर उस हिसाब से सक्सेसिव रैंक्स जिनके भी मार्क्स इक्वल थे उनको ऐसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से बनती है केकेसी की मेरिट लिस्ट। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नई वीडियो साथ, जिसमें मैंने अच्छे से आपको क्लियर कर दिया है। अगली वीडियो हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।